हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, जिनके अगर हम आईटी सेक्टर की ही बात करें पर्टिकुलरली, तो इन शेयर्स के नंबर जो है सबसे पहले नज़र आते हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो शेयर के जो रिजल्ट हैं वो इतनी भी जल्दी नहीं आ रहे जितना कि हमेशा देखने को मिलते हैं। लेकिन नंबर किस तरीके के आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करनी है। एंड इस बार के नतीजों में क्या खास बात हो सकती है उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नतीजे किस तरीके के आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन इस रिजल्ट के साथ इन्वेस्टर्स को क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे नंबर कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो साथ में दो और शेयर डिस्कस करेंगे जो कि एक आपको दिखाएगा बोनस और एक डिविडेंड वाला शेयर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड मैंने आपके सामने रखा है 1656 रुपए के आसपास, ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो मामूली गिरावट के बाद ये काउंटर जो है आज क्लोज हुआ। हालांकि देख पा रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ी गिरावट आज नहीं थी, हल्की फुल्की गिरावट के बाद ये काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले कुछ दिन जो रहे हैं वो इस सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली ठीक ठाक देखने को मिले हैं, उतनी ज़्यादा समस्या इस सेक्टर में दिखाई नहीं दी है बेसिकली। मैं क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो, 5 दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 3% के रिटर्न आपको दिखाई दे ही रहे, ठीक है। एक महीने में देखें तो 10% के एक महीने में देखो रिटर्न ठीक है, इसे ठीक ठाक कहा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आगे अगर हम बढ़े तो 6 महीने में भी देख लो, 6 महीने में अगर आप देखोगे तो जो रिटर्न निकल कर आए हैं वो लगभग 8.5% के आसपास आपको जो है देखने को मिल चुके हैं। तो इस तरीके के रिटर्न जो हैं आपको यहाँ पर नजर आए, जो कि अपने आप में अच्छे रिटर्न ही माने जाएंगे। लेकिन एक साल के रिटर्न देखें तो 24% के हैं। तो देखो, 8% के 6 महीने में, 24% के भले ही उतने बढ़िया नहीं हो लेकिन एक महीने में रिटर्न सही आए। लेकिन ना, अगर आप 5 साल की तरफ जाओगे तो 127% के ही रिटर्न है, जो कि एक एवरेज रिटर्न ही माने जा सकते हैं। वैसे भले ही आप इन्हें अच्छे मान लो, लेकिन जिस तरीके के रिटर्न अभी पूरे मार्केट ने दिए हैं उसके हिसाब से तो इस काउंटर ने जो रिटर्न दिए हैं वो अच्छे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों ओवरऑल इन्फोसिस की रिटर्न प्रोफाइल की। लेकिन बात यही है कि अब आने वाले हैं नंबर्स, आखिरकार नंबर किस तरीके के आएंगे उसके रिगार्डिंग कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, वीक कैश Q1 इन एटलीस्ट 10 ईयर, TCS Infosys Q1 रिजल्ट दिस वीक हु विल लीड ग्रोथ। तो यहाँ पर एक तो हेडलाइन में ही आपको एक बात दिखाई दे रही है, लिखा गया है कि वीकेस्ट Q1 रिजल्ट आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, वीकेस्ट की बात हो रही, मतलब सबसे खराब नंबर जो है आपको पिछले लगभग लगभग 10 साल में इस बार देखने को मिलेंगे। तो एटलीस्ट खुश होने जैसा या अच्छा तो इस बार भी हो सकता है, आपको कुछ भी दिखाई ना दे, तेजी हो या गिरावट वो अलग बात है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल की है, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि TCS की जो Q1 प्रॉफिट होगी 12,140 करोड़ हो सकती है, जो कि 2.9% डाउन होगी क्वार्टर क्वार्टर, बट 9.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ कर दिखाई देगी। लेकिन अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो 6,310 करोड़ की प्रॉफिट हो सकती है, जो कि 3.8% हायर रहेगी Q1Q बेसिस एंड 6.2% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस हायर बढ़कर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि क्वार्टर क्वार्टर नतीजे तो आपको इन्फोसिस के अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब TCS के अच्छे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से कंपेरिजन के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इस रिपोर्ट में आगे लेकर चलूँ तो देखो और दिखाता हूँ आखिरकार इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अब फिर वही बात है कि अलग अलग पैरामीटर, रेवेन्यू, एबिटा, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप बेसिकली आप ये मान के चलिए प्रॉफिट पर भी ध्यान दो तो वहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड जो प्रॉफिट है वो पूरा ही आपको इस पैराग्राफ में समझा दिया गया है, TCS का भी एंड इन्फोसिस का भी। अगर हम ईविट मार्जिन को भी देखें तो TCS का 24.5% दिखाई दे सकता है, जो कि 150 पॉइंट कम है। वहीं अगर हम इन्फोसिस को देखें तो लगभग 20.4% देखने को मिलेगा, जिसमें 30 बेसिस पॉइंट ऊपर देखने को मिलेगा क्वार्टर क्वार्टर एंड 40 बेसिस पॉइंट कम देखने को मिलेगा आपको ईयर ऑन ईयर। तो वही बात है, इन्फोसिस की जो नंबर है
क्वार्टरली अच्छे नजर आ सकते हैं, ये बात निकल कर आ रही है, एंड ईयरली ये नंबर अच्छे हो सकता है दिखाई ना दे, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो नंबर्स तो किस तरीके के आएंगे वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन दोस्तों ये एक अनुमान ही होता है, इस पर भी आपको मतलब ये बात भी ध्यान देनी चाहिए, ये सिर्फ अनुमान होता है, एग्जैक्ट नहीं ऐसा ही हो जाए, लेकिन इनके आसपास नंबर आ ही जाते हैं, ये लोग जो नंबर बताते हैं उसके आसपास हेर फेर में नंबर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर इनके नंबर खराब ही क्यों ना हो, लेकिन इनके बताए हुए नंबर से अगर नंबर अच्छे आ गए ना तो वो एक पॉजिटिविटी मानी जाती है और तेजी भी हो सकती है, और इनके हिसाब से जो बताए गए नंबर उससे खराब आए तो गिरावट के चांसेस भी बनते हैं, तो ये सिचुएशन जो है दिखाई आपको अक्सर देती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इन्फोसिस में खरीदारी करना मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ी सी सेफ्टी वहां पर कमी दिखाई दे रही है, आप ये मान के चल सकते हैं, भले ही इन्फोसिस में पिछले कुछ दिनों में तेजी का माहौल थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दिया है। टारगेट बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो कुछ ब्रोकरेज फर्म अच्छे 1900 तक के टारगेट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर नंबर अच्छे नहीं आए एंड साथ ही साथ स्पेशली नंबर के साथ साथ गाइडेंस अच्छी नहीं आई तो समस्या हो सकती है एंड गिरावट भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये बात तो गई इन्फोसिस के बारे में, लेकिन अब मैं आपको लेकर आया हूँ बोनस वाले शेयर के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियर कट। बात करी जाए नाम तो आपने देख लिया, स्मॉल कैप कंपनी 111 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न आज तो गिरावट रही 6% के आसपास की, लेकिन अगर हम जैसे आज आपने देखा अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन एक महीने में देखो 40% रिटर्न है, एक साल में भी अगर आप देखोगे जो रिटर्न इसके हैं वो लगभग 238% के आसपास के देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखें, पी रेशो 31 है जो कि ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा कम नहीं, सस्ता भी नहीं, महंगा भी नहीं। फाइनेंशियली कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली चलें कि आखिरकार किस तरीके के यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन है, तो क्लियर कट आप देख रहे हैं 12 जुलाई 2024 के एक्सडेट है एंड 1:3 का आपको यहाँ पर जो है बोनस का रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ एक डिविडेंड वाला शेयर, एंड दोस्तों इसका नाम है पीआई इंडस्ट्री। अगर आप पीआई इंडस्ट्री को देखोगे तो प्राइस 3863, मिड कैप कंपनी, 56,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एक महीने में 4.5% के रिटर्न, एक साल में भी वही हाल, 5 साल में 232% के रिटर्न, इन्फो इससे तो अच्छा है खैर, लेकिन पी रेशियो 33 के आसपास का है, कंपनी भी ग्रोथ दिखा रही है लेकिन डिविडेंड उतना भी अच्छा नहीं है जितना कंपनी की प्राइस है, 9 रुपये का डिविडेंड है, 20 अगस्त 2024 इसकी एक्सडेट है, ये डिविडेंड लगभग 900% बनता है इसकी फेस वैल्यू पर, अब आप देख लो फेस वैल्यू कैसे होती है क्या होती है। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लिंक रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।